और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, देश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो अब बच्चे देंगे कोरोना को मात। देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत के कई शहरों में फैल चुका है। इसी बीच केंद्र सरकार 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। आपको बताते चले कि वयस्कों की तरह अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो सभी लोग जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है। वो सभी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक किया जा सकता है। बच्चों को अभी कोवैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि दुनिया के कई देशों में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों पर वैक्सीन असरदार साबित हुआ है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का ट्रायल किया था जो असरदार साबित हुआ है। जो कोवैक्सीन वयस्कों को दी जा रही है वही बच्चों को भी दी जाएगी, इसलिए बच्चों की वैक्सीन में भी दोनों डोज के बीच 28 दिन का अंतर रहेगा। अगर 3 जनवरी को पहली डोज लगी है तो 31 जनवरी के बाद दूसरी डोज लगवा सकते हैं बच्चे। तो इस तरह बड़े लोगों को बाद अब कोरोना की जंग में बच्चे भी लड़ने को तैयार हो गए हैं और कुल मिलाकर देश का भविष्य कोरोना से दो दो हाथ करने के लिए तैयार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बच्चों को अब कोरोना की वैक्सीन लगेगी। आपको बताते चले कि कोवैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी, जिसके लिए कोविन जो ऐप है उस पर जाकर पेरेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा बच्चों का, और तब अपॉइंटमेंट के बाद बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बताते चले कि इसके लिए 3 जनवरी से केंद्र सरकार की ओर से एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, एक ड्राइव चलाया जाएगा, जिसके जरिए से अलग अलग जगहों पर बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें ये भी कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन जरिए से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 3 जनवरी, क्योंकि जो तीसरी वेव का खतरा बताया जा रहा था बच्चों के ऊपर, अब उसे टालने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है और बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, कोवैक्सीन दी जाएगी बच्चों को, और इसके जरिए से अब बच्चे भी कोरोना से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। आपको ये भी बताते चलें कि भारत में बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर आप भी चाहें तो अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोविन ऐप पर जाना होगा, वहां से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और उसी के जरिए आपको तारीख मिलेगी और तारीख के आधार पर आप अपने बच्चे को जो भी आपको जगह बताई जाती है, डेस्टिनेशन बताई जाती है, वहां पर जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, क्या है रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आसानी हो। वैक्सीन लग चुकी थी, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 साल से 18 के वर्ष बच्चों को लिए जो वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया की, आज से यानी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, यानी कि अब जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से महामारी दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर, माने तो पूरे देश के अंदर फैल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये चिंता बिषक है। तो देखिए, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 सभी को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया जारी कर दी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो बात की है वो भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, 3 जनवरी को बच्चों को पहली डोज लगेगी। अजय, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है राज्य सरकार की ओर से? जिसके बात करें, कोविशील्ड छोड़कर कोवैक्सीन जो लगाई गई है, उस सेंटर पर जो बच्चों की जो प्रतिक्रिया होती है, जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो आज से लागू कर दिया है। तो 3 तारीख तक जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया जारी की जाएगी, उस हिसाब से जो वैक्सीन है उन तक पहुंचेगी। जी, ये भी जानना अजय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह हमने देखा कि
एक दो करके बच्चे भी सामने आ रहे थे जिन्हें कि कोरोना हो रहा था, लेकिन अब उन्हें बचाने के लिए, संभालने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोवैक्सीन ला दी गई है। तो ऐप के जरिए कैसे से रजिस्ट्रेशन किया जाए, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी इसके लिए, ये तमाम बातें भी जानना चाहेंगे आपसे। मुझे देखिए प्रतिक्रिया वही रहेगी जो हमने देखा कि 18 साल के ऊपर के बच्चों के थी, आधार कार्ड उनका लगेगा, मोबाइल नंबर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जो जगह दी जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी, वहां पर उनको वैक्सीन लगवानी होगी। तो देखिए जो देखा गया कि जिस तरीके से अभी कोविड के टाइम में और ओमिक्रॉन के टाइम में जिस तरीके से जो वैक्सीन लागू की गई थी, अभी जो ओपनिंग की गई है उसको लागू किया गया है और भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त दी गई है, वो भी उस वैक्सीन के अंदर जोड़ी गई है। यानी अगर जो वैक्सीन है वो सबको दी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली के जो बच्चे हैं, जो भारत के बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी वो मिली हुई है ताकि उनको मिल सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपका।